नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं LR 600 टन जो जर्मनी की कंपनी है उसके विषय में, उसका सेटिंग क्या है, लीवर का जो लीवर दिया है इसके अंदर केबिन के अंदर उसमें सेटिंग क्या है, हमारा क्या फंक्शन काम करता है और ये अभी इसके कहाँ से काम करेगा। अभी देखिए दोस्तों, ये जो लीवर दिया है अपना, ये अपना स्विंग के लिए दिया है। इस साइड में लेंगे तो लेफ्ट साइड में लेंगे तो लेफ्ट साइड स्विंग करेगा, राइट साइड में लेंगे तो राइट साइड में स्विंग करेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए, आगे दे रहे हैं अगर लीवर तो अपना सिलेंडर जो एफ्रेम में दिया है, जो अपना चैन असेंबली के लिए यूज करते हैं उस टाइम जो सिलेंडर यूज करते हैं, तो यहाँ से हरिया अभी साफ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें दिया है जो ए लीवर में, ये आगे लेंगे तो हरिया होगा, पीछे लेंगे तो हाविस होगा, एक नंबर ड्रम। और इस साइड में दोस्तों ये अपना जो ड्रम है 3 नंबर, वो ड्रम बूम अप होगा, हाविस होगा और इस साइड में डाउन होगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसके अंदर देखिए कुछ और फंक्शन दिया है ये लीवर में ही। ये अपना अब अगर विंच आप फास्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए हॉर्न का दिया है, और इस साइड में दिया है दोस्तों यह अपना RPM लॉक करने के लिए दिया है। इस साइड में देखिए दोस्तों, इस साइड में भी दिया है, ये हट गया रबड़, इसका कट गया है रबड़। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है अपना बाईपास, ये लीवर का बाईपास है दोस्तों। और ये जो दिया है यहाँ पे, ये है अपना सेंसर, आप अगर अपना म्यूट करना चाहते हैं इसमें सवाल आता है, अगर म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें भी वही सेम है, इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं है और इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं है, जो है जो उसी लीवर का है जिसमें जो फंक्शन दिया है सेम उसी का है। बाकी दोस्तों मैं आपको RPM लॉक करके दिखा रहा हूँ और जल्दी से दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अपना कंप्यूटर डिस्प्ले ऑन करके रखा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। इसके लिए देखिए मैं अपना डिस्प्ले ऑन करके रखा हूँ, बस यहाँ से हमको क्रेन स्टार्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा RPM 0 दिखा रहा है, अभी हमारा क्रेन स्टार्ट नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अब चालू करेंगे और RPM लॉक करके दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए स्टार्ट हो गया क्रेन अपना और RPM हमारा बढ़ गया। देखिए देखिए अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना विंड शो करेगा और क्रेन का लेवल शो करेगा, तभी हमारा क्रेन 0-0 लेवल है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। और देखिए दोस्तों अभी मैं RPM लॉक करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों ये बटन हो गया और यहाँ से मैं RPM दे रहा हूँ, अभी 998 है RPM मेरा। अभी ये देखिए पैडल से मैं RPM दिया, इधर देखिए RPM मेरा बढ़ा, बढ़ गया 1121 हो गया 54। अभी यहाँ से मैं लॉक कर दिया, यहाँ से बटन दाब के, अभी देखिए मेरा RPM लॉक हो गया, अभी ये डाउन नहीं होने वाला, मैं पैडल भी छोड़ दिया उसके बाद डाउन नहीं होगा जब तक ये प्लस का आइकन हटेगा नहीं यहाँ से, तो ये हट जाएगा उसके बाद समझिए कि अपना RPM जो है वो लॉक नहीं है, इस टाइम हट जाएगा। तो अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वही बटन, सेम वही बटन यहाँ से आपको दबाना पड़ेगा। अभी देखिए मैं यहाँ दबा रहा हूँ, वो प्लस हट जाएगा, RPM लॉक हट जाएगा, RPM डाउन हो जाएगा अपना, ये देखिए अब हट जाएगा, देखिए RPM डाउन हो गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेम वही। अभी देखिए दोस्तों, आपको अगर विंच फास्ट करना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे दिया है, इसमें भी दिया है और उसमें भी दिया है। तो यहाँ पे अभी देखिए ये अपना, ये देखिए सिंबल आ गया ना रेवेट का, खरगोश का, तो ये अपना विंच फास्ट होगा और यह हाविस जो होगा बूम डाउन फास्ट होगा। तो इसके लिए हमको जब ज़्यादा हाइट में माल उठाना है, ज़्यादा टाइम तक अरिया हाविस करके रखना है, तो उसके लिए हम लोग को इसका यूज होता है, नहीं तो स्लोली माल हम लोग को अरिया हाविस करना चाहिए, सेफली होता है। बाकी दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इसको हटाने के लिए आपको यहीं से करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए ये हट जाएगा, अभी देखिए हट गया। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।